नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है, जहां पर अधिवक्ताओं का आक्रोश इतना बढ़ता जा रहा है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। आपको बता दें कि बलिया के डीएम के प्रति खास नाराजगी अधिवक्ताओं में दिख रही है। आरोप यह भी है कि एसडीएम बासडी वकीलों के साथ कानूनी सहयोग नहीं कर रही हैं, तो वहीं कई माह से अधिवक्ता अपने कार्य से विरत भी हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने रखा यह शव नहीं बल्कि जिलाधिकारी बलिया का प्रतीकात्मक पुतला का दाह संस्कार के रूप में ये दृश्य है। आपको बता दें कि प्रभारी एसडीएम बासडी अन्नपूर्णा गर्ग आईएएस हैं, जिन्हें हटाने के लिए डीएम से बार बार निवेदन किया गया। वही जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं की एक नहीं सुनी, यहां तक कि डीएम भवानी सिंह खगरौत ने भी अधिवक्ताओं की मांग नहीं मानी, जिसको लेकर ऐसा आक्रोश दिख रहा है। वहीं अधिवक्ताओं की माने तो बासडी एसडीएम के आचरण से पूरे जिले के अधिवक्ता दुखी हैं, जिसे लेकर पूरे जिले के अधिवक्ता संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन डीएम बलिया के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से हम सभी अधिवक्ताओं ने डीएम से क्षुब्ध होकर डीएम बलिया का पुतला फूंका है। मेरा नाम कुमार ईश्वर सिंह चेतन है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। आज आप लोगों ने यहाँ पर क्यों प्रदर्शन किया था, क्या वजह? जी, हम लोग जो एसडीएम बासडी हैं पूर्णा गर्ग जी, उनके आचरण से दुखी हैं, व्यथित हैं अधिवक्ता, और इसको लेके पूरे जिले के अधिवक्ता पिछले 3 माह से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हम जिलाधिकारी महोदय के स्तर से नहीं हो रही है, जिससे क्षुब्ध होकर हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय का पुतला फूंका है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।